जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकुट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे गांव में पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब के बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेडिनेस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलिया थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में फोकस करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलिया है उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है, तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड हेलर से हमने सभी को संभावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी सभी एजेंसियों ने मिलकर रॉक, हार्नेस, कैराबिनर और कुर्सी को ट्रॉली बनाकर रॉक के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया।